खजाना है आपके पास। कौन कहता है आप कंगाल हो? जो व्यक्ति यह कहता है कि मेरे पास कुछ भी बचा नहीं, जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं कंगाल हूं, जो व्यक्ति यह कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, वह व्यक्ति यह जानता नहीं कि कितना बड़ा खजाना उसे जीवन में मिला हुआ है। आप समझना, यह संसार में किसी को एक इंद्रिय मिली मात्र, शरीर ही मिला और कुछ मिला नहीं। किसी को दो इंद्रिय मिली, किसी को तीन तीन इंद्रिया मिली, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि हम सबको कितनी इंद्रिया मिली, कितनी मिली? पांच। समझना बराबर। यह संसार में कई जीव ऐसे हैं, किसी को एक इंद्रिया मिली, किसी को दो मिली, किसी को तीन मिली, किसी को चार मिली, लेकिन हम सब बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें पांच पांच इंद्रिया प्राप्त। और पांच पांच इंद्रिय मिलने के बाद भी, पांच पांच इंद्रियों की प्राप्ति होने के बाद में भी यदि हमें लगता हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कंगाल हैं, हम भिखारी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रखा है, तो महामहोपाध्याय यशु विजय जी महाराज कहते हैं कि संसार में तेरे जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। दिमाग में बिठा लेना ये सूत्र, ये वाक्य दिमाग में रख लेना, ये वाक्य हृदय में बिठा देना, मेरे पास खजाना है। बाकी जो खजाने की खोज में आप निकले हो, संपत्ति मिल जाए तो अच्छा, सामग्री मिल जाए तो अच्छा, सुविधाएं मिल जाए तो अच्छा, सुवर्ण मिल जाए तो अच्छा, चांदी मिल जाए तो अच्छा, रत्न मिल जाए तो अच्छा, भोग उपभोग के साधन मिल जाए तो अच्छा। जो सामग्री की खोज में आप निकले हो, जो खजाने की खोज में आप निकले हो, वो खजाना आपके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, और आने के बाद में भी हमेशा आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा ये भी पता नहीं है। लेकिन महामहोपाध्याय यशु विजय जी महाराज कहते हैं कि बराबर कान खोल के सुन लेना, ये जो पांच इंद्रिय रूपी खजाना तुझे मिला है ना, वो संसार का सबसे बड़ा खजाना है। वह खजाने को पाकर के भी हम कर क्या रहे हैं? संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास देखने के लिए आंखें नहीं है, संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है। आप ये जिनवाणी का श्रवण कर पाते हो कब? जब कान आपके सक्षम है तो कर पाते हो, वरना कैसे करते हैं? आप ये परमात्मा की प्रतिमा को देख पाते हो, आप ये गुरु भगवान को देख पाते हो, आप रास्ते के ऊपर निकलते हो तो रास्ता देख पाते हो कब? जब आपकी आंख सक्षम है तो देख पाते हो, वरना क्या करते हैं? आप परमात्मा की भक्ति में ताली बजा पाते हो, आप यही हाथ से भोजन कर पाते हो, गुरु भगवंत के सामने जाकर के हाथ जोड़ के नतमस्तक हो पाते हो कब? जब आपको ये हाथ मिले तो, ये हाथ ना मिलते तो आप क्या करते? ये पांच इंद्रिय आपको ऐसी मिली है जो संसार में कितनी भी संपत्ति हो लेकिन फिर भी खरीदी नहीं जा सकती। कई करोड़पति श्रेष्ठ ये संसार में ऐसा है जो नहीं देख पाते, पर क्या करें? कोई रास्ता नहीं है उसका। आंख चली जाए, एक बार आंख का विजन चला जाए, फिर आप संसार में बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, बड़े से बड़े वैद्य के पास चले जाओ, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, खत्म हो गई आपकी दुनिया। और इसीलिए कहा गया कि हकीकत में खुद को सौभाग्यशाली मानना कि इतना अद्भुत खजाना परमात्मा ने हमें दिया। और यह पांच पांच इंद्रियों की प्राप्ति के बाद में भी, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हम कहां चूक जाते हैं, ये खजाना मिलने के बाद में भी, ये खजाना प्राप्त होने के बाद में भी हम कहां चूक जाते हैं? तो कहते हैं कि चूक हम यहां जाते हैं कि उसका हम यूज नहीं करते, मिस यूज कर लेते हैं। ये खजाना तो आपको मिला, लेकिन कल भी मैंने कहा था कि दो धारी तलवार है, या आपकी जो इंद्रिया है दो धारी तलवार है, उसका यूज भी हो सकता है, इसका मिस यूज भी हो सकता है। ज्यादातर लोग ये आपको जितनी भी क्षमता इंद्रिया यानी क्या, आपको जितनी भी क्षमता मिली, आपको देखने की क्षमता मिली, आपको सुनने की क्षमता मिली, आपको बोलने की क्षमता मिली, आपको श्वासोश्वास लेने की क्षमता मिली, आप चल पाते हो, आप देख पाते हो,
आप हाथ का इस्तेमाल कर पाते हो, ये जितनी भी क्षमता आपके पास है वो सारी इंद्रियों के प्रभाव से है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि यही इंद्रियों को यदि तू यूज करेगा तो यह इंद्रिय तुझे ऊपर पहुंचा देगी, और यही इंद्रियों का यदि तूने मिसयूज किया तो यही इंद्रिया तुझे नीचे पहुंचा देगी। जीवन में ऊर्ध्वगमन करना हो तो भी यही इंद्रिया आपके काम में आती है, और जीवन में अधोगमन करना हो तो भी यही इंद्रिया आपके काम में आती है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि कान खोल के बराबर सुन लेना, मिसयूज मत करना। जिस जिसने इसका मिसयूज किया वो मर गए, जीते जी मर गए। इंद्रियों को जिसने संभाला नहीं, इंद्रियों के ऊपर जिसने ध्यान नहीं दिया, जो इंद्रियों के बहकावे में आ गए, जो इंद्रियों को वश हो गए, वह संसार में कुछ भी नहीं कर पाए। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अद्भुत एक क्षमताएं आपको मिली हुई है, परमात्मा की देन समझो, आपके पुण्य का प्रभाव समझो, जो समझो वो, लेकिन अद्भुत क्षमताएं जीवन के भीतर आपको मिली हुई है, लेकिन उसका यूज करना, इसका मिसयूज करना आपके हाथ में है। यदि यूज करना आ गया तो यही इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा भक्ति करते करते, गुरु भक्ति करते करते, धर्म की आराधना करते करते, शासन की प्रभावना करते करते, यही इंद्रियों के माध्यम से आपका कल्याण भी हो जाएगा। और यदि आप यूज नहीं कर पाए और मिसयूज करते चले गए तो यही इंद्रिया आपको डुबा देगी। बराबर याद रखना, प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।